नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र जब से रिलीज हुई है तभी से चर्चाओं में बनी हुई है। फिल्म के रिलीज होते ही इसे मिक्स्ड रिएक्शन मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है तो कुछ ने इसे बेकार फिल्म बताया है। अब रणवीर आलिया की बात हो और कंगना रनौत चुप बैठ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कंगना रनौत ने अब ब्रह्मास्त्र के नेगेटिव रिव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और रणवीर और आलिया को खरी खोटी सुनाई है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, बेबी पीआर से लेकर शादी तक मीडिया को नियंत्रित किया, केआरके को जेल में डाल दिया, रिव्यू खरीदे, टिकट खरीदे, वे सारी बेईमानी कर सकते हैं लेकिन एक अच्छी ईमानदार फिल्म नहीं बना सकते। कंगना रनौत यही नहीं रुकी, इसके अलावा उन्होंने अयान मुखर्जी और करण जौहर को भी लताड़ लगाई है। कंगना ने अपनी एक और इंस्टा स्टोरी पर लिखा, ऐसा तब होता है जब आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। करण जौहर हर शो में लोगों को ये कहने के लिए मजबूर करते हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर हैं और अयान मुखर्जी जीनियस है। धीरे धीरे वो इस बात पर विश्वास भी करने लगे हैं। इस फिल्म का 600 करोड़ का बजट और क्या बताता है। एक डायरेक्टर जिसने अपनी जिंदगी में कोई अच्छी फिल्म नहीं बनाई, इस फिल्म को फंड करने के लिए फॉक्स स्टूडियो को खुद को बेचना पड़ा और कितने स्टूडियो इन फिल्मों की वजह से बंद होंगे। कंगना ने अपनी तीसरी स्टोरी में लिखा, हर कोई जो अयान मुखर्जी को जीनियस कहता है उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। 600 करोड़ जलाकर राख कर दिए, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की भी कोशिश हुई। करण जौहर जैसे लोगों से उनके बर्ताव की वजह से पूछताछ की जानी चाहिए। वे अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट की तुलना में हर किसी के निजी जीवन में अधिक रुचि रखते हैं। वे विवादित खुलासों के लिए जाने जाते हैं। वे आगे कहती है, वे खुद समीक्षाएं खरीदते हैं, नकली कलेक्शन दिखाते हैं और टिकट खरीदते हैं। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म और साउथ की लहर की सवारी करने की कोशिश की। सभी अचानक पुजारी बन गए और अपने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण के एक्टर्स, लेखकों और निर्देशकों से भीख मांगे। वे सब कुछ करेंगे लेकिन सक्षम लेखक, निर्देशक, एक्टर और अन्य टैलेंट को मौका नहीं देंगे। तो देखा आपने, कंगना ने किस कदर रणबीर, आलिया, करण जौहर और अयान मुखर्जी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि इस फिल्म का रिलीज के पहले ही विरोध हो रहा था, लोग जमकर फिल्म का बहिष्कार कर रहे थे। इतना ही नहीं, हिंदू संगठन दो फिल्म के विरोध में सड़क पर उतर आए थे। 410 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कंगना के इस स्टेटमेंट पर रणबीर और आलिया किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।